हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट ब्रिज, राउटर, गेटवे एंड मॉडम। फर्स्ट इज ब्रिज। व्हाट ब्रिज विल डू, ब्रिज एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क। लाइक यू कैन सी हेयर, दिस इज नेटवर्क वन एंड दिस इज नेटवर्क टू। हेयर वी हैव कनेक्टेड थ्री पीसीज विद हब एंड हेयर आई हैव कनेक्टेड थ्री पीसीज विद स्विच। ओके, एंड दीज थ्री वर्क स्टेशंस आर नेम्ड एज A, B and C and these three workstation named as D, E, E and F. अगर A किसी system को data send करना चाहता है, like A B को data send करना चाहता है, share करना चाहता है, then A will send request to bridge. Then it will broadcast the data. Broadcast means होता है कि जिसको भी ये data send करेगा, ठीक है, broadcast मतलब होता है वो सबके पास जाएगा. Okay. ब्रॉडकास्टिंग का मीन्स अगर आप एक मैसेज सेंड करते हो तो वो सबके पास चला जाता है, जितने भी आपके नेटवर्क में लोग होते हैं। सेम यहाँ पर होगा, जितने भी नेटवर्क में वर्क स्टेशन कनेक्टेड होंगे वो डेटा सबके पास जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, ब्रिज के टू पोर्ट्स हैं, वन पोर्ट एंड टू पोर्ट। तो ये अपने पोर्ट की टेबल मेंटेन करता है। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा है पोर्ट वन एंड टू। पोर्ट वन पर कितने मैक एड्रेसेस हैं, मैक एड्रेस मैंने आपको बताया था, जो भी वर्क स्टेशंस होते हैं वो लैन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, लैन कार्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और लैन कार्ड की अपनी एक यूनिक आईडी होती है जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मैक एड्रेस अलग होगा, इसका मैक एड्रेस अलग होगा, इसका मैक एड्रेस अलग होगा। ओके, तो क्या करेगा ब्रिज वन, वो देखेगा कि जो भी रिक्वेस्ट आई है ब्रिज के पास वो किस पोर्ट से आई है। वन फर्स्ट पोर्ट यानी कि फर्स्ट नेटवर्क के ए से आई है, ए सिस्टम से आई है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट पोर्ट पर ए का नाम नोट कर लेगा। अब ये मैं कंडीशन बता रही हूँ तब की जबकि आपका ब्रिज और ये नेटवर्क पहली बार इस्टेब्लिश किए गए। ओके, अगर बी ने कुछ, बी को कुछ सेंड करना है एफ के पास, अब क्या होगा, ये ढूंढेगा कि बी तो चलो वन पोर्ट पर है तो यहाँ पर ये नोट कर लेगा कि बी हमारा फर्स्ट पोर्ट पर है। बट अब इसको ये नहीं पता कि F कहाँ पर है, तो ये अब क्या करेगा, जितने भी सिस्टम्स हैं यहाँ पर इन सभी में हमारा डेटा ब्रॉडकास्ट करेगा। मींस जो B ने डेटा भेजा है, सेंड किया है, वो A के पास भी जाएगा, वो C के पास भी जाएगा, वो D, E, F के पास भी जाएगा। ओके, क्योंकि अभी तक ब्रिज को ये नहीं पता कि F पोर्ट कहाँ पर है, उसको ये नहीं पता कि लेफ्ट में भेजना है कि राइट में भेजना है, किधर साइड में है F पोर्ट, तो उसको ये चीज़ नहीं पता, वो सबके पास वो डेटा चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या क्या, जैसे ही बी ने सेंड किया तो बाकी सिस्टम को तो वो डेटा चाहिए ही नहीं था, उनके लिए रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, नीड ही नहीं थी। तो जब बी ने सेंड किया एफ को, तो एफ क्या देगा, एक्नॉलेज देगा। एक्नॉलेज मीन्स यस आई हैव रिसीव द डेटा, वो एक्नॉलेजमेंट देगा। ठीक है, तब ये ब्रिज देखेगा कि एक्नॉलेजमेंट कौन से सिस्टम से आई है, उसको एक्नॉलेजमेंट कहाँ से मिलेगी, एफ सिस्टम से मिलेगी, और एफ सिस्टम उसको कहाँ मिल रहा है, सेकेंड पोर्ट पर मिल रहा है। तो अब उसको पता चल गया, ओके, एफ जो हमारा सेकेंड पोर्ट पर है, अब मैं अगर नेक्स्ट टाइम कोई रिक्वेस्ट आएगी तो मैं बता पाऊंगी कि एफ पोर्ट हमारा सेकेंड पोर्ट पर है। ठीक है, लाइक अब सी को एफ को उसको सेंड करना है। ठीक है, अब इसको नहीं पता कि सी कहाँ पर है, तो ये सी से डेटा तो ले लेगा और सब जगह पर ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, फिर हमारा जब इसके पास सी की रिपोर्ट गई, ठीक है, डेटा सेंड करना है इसको, तो सी कहाँ निकल गई है, अब फर्स्ट पोर्ट पर लिख लेगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट हमारी कहाँ से आई थी, लेफ्ट वाले नेटवर्क से आई थी, यानी कि नेटवर्क वन से आई थी। तो ये इस टाइप से टेबल मेंटेन करता है मैक एड्रेसेस की। जब एक बार ये टेबल अपने मेंटेन कर लेगा तो उसके बाद फिर इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर सी को, अगर ए को फिर से डेटा सेंड करना है ई को, अब इसको पता चल जाएगा कि मुझे पोर्ट टू वाले सिस्टम्स पर डेटा सेंड करना है, यानी कि ई वाला जो सिस्टम है वो हमारा कहाँ पर है, पोर्ट टू पर है, तो इसको कहाँ सेंड करना है, डेटा ए से डेटा लेगा और पोर्ट टू के सारे सिस्टम पर ब्रॉडकास्ट करेगा। इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि ये पर्टिकुलर सिस्टम पर डेटा सेंड नहीं कर पाता है। ठीक है, ये उस नेटवर्क के सारे सिस्टम पर डेटा सेंड करेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट जहाँ से आएगी वो पता चल जाएगा कि हाँ इस सिस्टम को उससे डेटा रिसीव हो गया है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज ये है कि ये दो नेटवर्क के बीच में काम कर सकता है। ठीक है, इस्टेब्लिश कर सकता है कनेक्शन को। अगर आपको ये चाहिए कि पर्टिकुलर सिस्टम कोई डेटा सेंड करो तो आप स्विच का यूज़ करते हैं, ओके, या फिर राउटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, यस, दिस इज़ राउटर। राउटर का काम क्या है, ये भी दो टाइप के नेटवर्क में डेटा कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है। ठीक है,
अब यहाँ पर जो नेटवर्क आईडी हमने दी हुई है, एक नेटवर्क हमने मान लो किसी स्कूल में बनाया हुआ है ये, ठीक है। मान लो एक बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स, यानी कि आईटी का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, कॉमर्स का डिपार्टमेंट अलग है, या फिर आर्ट्स का डिपार्टमेंट अलग है, तो वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग इन्होंने लैन बनाए हुए हैं, ठीक है। लैन को किससे कनेक्ट किया हुआ है, स्विच को। स्विच के वर्किंग आपको पता है कि अगर कोई कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से वर्क स्टेशन से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो पर्टिकुलरली उसी कंप्यूटर नंबर सिस्टम से वो कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। हब में ये चीज़ नहीं थी, हब में अगर एक सिस्टम सेंड करता है तो वो सभी के पास जाएगी, स्विच में स्पेसिफिक कंप्यूटर से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये तो हुई लैन की बात, ओके। ये दूसरा एक लैन हमने लगाया हुआ है यहाँ पर, जिसमें सिर्फ 4 सिस्टम्स है और एक स्विच से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, ओके। अब देखो जो ये नेटवर्क है ये वाला, ये अलग नेटवर्क आईडी यूज़ करता है। इसकी नेटवर्क आईडी है 192.168.10.0 और यहाँ पर 172.16.10.0। इसके इस पूरे सिस्टम की नेटवर्क आईडी है ये, ठीक है। अब पूरे सिस्टम की नेटवर्क आईडी होने के बाद में आप पर्टिकुलर सिस्टम को नेटवर्क आईडी कैसे मिलेगी, लाइक हमारा पहला सिस्टम ये है तो हम क्या करेंगे, इसकी नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगी, 192.168.10.1। इसको हमने दे दिया 192.168.10.2, मीन्स हमारा जो स्टार्टिंग के ये नंबर्स हैं ये तो सेम रहेंगे और इसके बाद वाला नंबर हम हर यूनिक कर देंगे सारे सिस्टम्स के लिए। सेम यहाँ पर रहेगा कि इसकी स्टार्टिंग की डिजिट सबके लिए सेम रहेंगी और जिसका लास्ट वाला नंबर है इसको हम चेंज कर देंगे सारे सिस्टम के लिए। लाइक इसको हमने .1 दे दिया, इसको .2, .3, .4। अब क्या होगा कि ये डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हैं, ये अलग नेटवर्क है जो ये आईडी यूज़ कर रहा है, ये अलग नेटवर्क है जो ये आईडी यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इनमें कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा, तो ये यूज़ करेगा राउटर। राउटर क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क आईडीज़ के बीच में ये कम्युनिकेशन करवाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग ब्रांच है, मान लिया ये आईटी की ब्रांच है और ये कॉमर्स की ब्रांच है, तो ये दोनों सिस्टम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ वाला जो सिस्टम है ये इधर के किसी भी सिस्टम से कम्युनिकेशन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ राउटर, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ ये ब्रिज जैसा लग रहा होगा, बट ब्रिज क्या होता है, वो मैक एड्रेसेस पे वर्क करता है, वो नेटवर्क आईडी पे वर्क नहीं करता, मैक एड्रेसेस पे वर्क करता है, मैक एड्रेस की टेबल बनाता है, ठीक है। बट जो राउटर होता है वो हमारा आईपी एड्रेस, यानी कि जो आपकी आईपी एड्रेस भी नहीं बोलेंगे इसको, नेटवर्क आईडी जो है इस वर्क स्टेशंस की उनको बनाता है। लाइक यहाँ पर इसके भी 2 पोर्ट्स रखे हैं, फर्स्ट पोर्ट ये है हमारा, सेकेंड पोर्ट ये है, तो ये भी पोर्ट टेबल अपनी रेडी करेगा। अब क्या करेगा, आईपी एड्रेस फर्स्ट पोर्ट पर जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं उनको यहाँ पर मेंटेन करेगा और सेकेंड पोर्ट पर जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं उनको यहाँ पर मेंटेन करेगा, ठीक है। लाइक यहाँ पर 192.168.10.1 इसको कोई डेटा सेंड करना है यहाँ पर किसी सिस्टम को, और लाइक इसकी आईडी है 172.16.10.4 इसकी आईडी है, ठीक है। तो राउटर क्या करेगा, फर्स्ट पोर्ट से इसकी रिक्वेस्ट को लेगा और ले जाकर यहाँ पर इस स्विच से कनेक्ट करवाएगा और स्विच को बताएगा कि इस आईपी एड्रेस पर या नेटवर्क आईडी पर मुझे डेटा सेंड करना है, और स्विच उस पर्टिकुलर आईडी पर आपका डेटा सेंड कर देगा, ठीक है। तो राउटर के केस में या स्विचेस के केस में डेटा को ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाता है, आप पर्टिकुलर जिस सिस्टम पर सेंड करना चाहते हो दूसरे नेटवर्क में वहाँ पर आप सेंड कर सकते हो। अगर आप यहीं पर सेंड करना चाहते हो तो वो तो काम स्विच ही कर लेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर किसी और सिस्टम को सेंड करना चाहते हो स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली, तो आपका वो काम स्विच ही करेगा। बट अगर आपको दूसरे नेटवर्क में इस्टेब्लिश करना है कनेक्शन को किसी पर्टिकुलर सिस्टम से, देन यू शुड यूज़ राउटर। क्लियर, राउटिंग टेबल भी समझ में आ गई कि जितने भी पोर्ट्स होते हैं उनमें ये अपने आईपी एड्रेसेस यानी कि नेटवर्क आईडीज़ को मेंटेन करता है, ठीक है। और आपका जो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे ये कभी नहीं पूछा जाएगा, व्हाट इज़ राउटर, व्हाट इज़ ई टू, कभी नहीं पूछा जाएगा। आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा कि एक कंपनी है, एक एंटरप्राइज है जहाँ पर आपको एक लैन बनाया गया है, ठीक है, उसकी 2 ब्रांचेज हैं, 2 ऑफिसेज हैं, तो उनके बीच में क्या मतलब होना चाहिए नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कभी आपसे सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज मॉडम। मॉडम क्या होता है, जो आपका ISP है, जो आपको जैसे हम जो ISP होता है हमारा, लाइक BSNL ले लेते हैं एग्जाम्पल में, तो BSNL से अगर हम नेटवर्क लेना चाहते हैं, इंटरनेट हम लगाते हैं या ब्रॉडबैंड लगाते हैं, तो उस केस में क्या होता है,
कि हमारे घर में टेलीफोन लाइन आती है, टेलीफोन अगर देखा होगा किसी ने तो टेलीफोन के साथ में टेलीफोन लाइन आती है लैंडलाइन फ़ोन के साथ में, ठीक है। उसके अगर उसके थ्रू हम इंटरनेट लेना चाहते हैं क्योंकि स्पीड बहुत अच्छी होती है उसकी, तो अगर उसके थ्रू लेना चाहते हैं और हमारा कंप्यूटर में हम कनेक्शन करना चाहते हैं, तब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें मॉडम यूज़ करना पड़ेगा। मॉडम क्या करता है, जो ISP है हमारा वो यूज़ कर रहा है एनालॉग सिग्नल, यानी कि जो टेलीफोन्स होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स यूज़ करते हैं, ठीक है ठीक है। और जो हमारा ये है कंप्यूटर डिवाइस है, ये हमारे डिजिटल सिग्नल यूज़ कर रहे हैं यानी कि 0 and 1। तो इसके में और इसमें जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन का काम कौन करता है, मॉडम। मॉडम क्या करता है, इट विल कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल, ठीक है। अगर डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो रहे हैं सिग्नल्स, तो उसको बोलेंगे मॉड्यूलेशन, एंड एनालॉग सिग्नल से अगर डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो उसी से ही हमने एक्सट्रैक्ट करके मॉडम का नाम बनाया है, MO फॉर मॉड्यूलेशन एंड DEM फॉर डीमॉड्यूलेशन, तो ये नाम बन जाता है हमारा मॉडम, ओके। सिर्फ इसका इतना सा काम है कि आपके जो एनालॉग सिग्नल होंगे उनको कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में। लाइक यहाँ से इस रिक्वेस्ट की, डिजिटल सिग्नल आपने कोई रिक्वेस्ट की सर्वर को, तो यहाँ से रिक्वेस्ट किस फॉर्म में जा रही है, 0 और 1 में जा रही है, क्योंकि इसको तो 0 1 की लैंग्वेज पता है, इसको एनालॉग सिग्नल पता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडम के पास आएगी रिक्वेस्ट 0 और 1 में। अब जी मॉडम क्या करेगा, अब इसको तो इधर से एनालॉग सिग्नल ही निकाले, तो इनको कन्वर्ट करेगा ये एनालॉग सिग्नल्स में। तो यहाँ से क्या निकला, एनालॉग सिग्नल्स निकले और टेलीफोन लाइन के पास गए। अब जो इसने रिक्वेस्ट की थी उसका कोई रिप्लाई भी आएगा, मान लिया रिप्लाई आया फिर से एनालॉग सिग्नल में, यहाँ पर आ गया एनालॉग सिग्नल। अब इसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले को तो पता ही नहीं एनालॉग सिग्नल्स क्या है, फिर से कन्वर्ट करेगा 0 1 वाली लैंग्वेज में और कंप्यूटर के पास में सेंड कर देगा। आप इसको इस तरीके से ले सकते हो, जब टू कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर है वो एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, ठीक है, बट उनको कम्युनिकेशन करना है, तो वो क्या करेंगे, बीच में ट्रांसलेटर को बिठाते हैं, ट्रांसलेटर को दोनों लैंग्वेज आती है उसको, लाइक आप ले लो जर्मन ले लो और इंडियन ले लो, तो ट्रांसलेटर को जर्मन भी आती है और इंडियन भी आती है। तो वो ट्रांसलेटर क्या करता है, जब इंडिया वाला प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तो वो उनकी बात को भी सुनेंगे और ट्रांसलेट करके जर्मन वाले को बता देंगे, और जर्मन वाले की सुनेंगे उसको ट्रांसलेट करके इंडियन वाले को बता देंगे। तो ये इसका काम सिर्फ कन्वर्जन करने का है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गेटवे। गेटवे क्या करता है, गेटवे टू डिसिमिलर टाइप के नेटवर्क के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। लाइक आपने देखा होगा ISP जो होता है वो यूज़र इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बट हमारे जो घर में वो होम नेटवर्क यूज़ होता है, ठीक है। तो ISP क्या करेगा, अगर इसको इन दोनों के बीच में कनेक्शन बिठाना है तो ये अलग टाइप का नेटवर्क है, ये तो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और ये होम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, बीच में हमें गेटवे यूज़ करना पड़ेगा जो डिसिमिलर टाइप के नेटवर्क के बीच में नेट कनेक्शन को एस्टैब्लिश करेगा, ओके। तो इसको हम बोलते हैं गेटवे, और गेटवे आपका सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है। तो ये सब हमने पढ़ा, लाइक ब्रिज, राउटर, गेटवे एंड मॉडम। लास्ट में पढ़ा था हब एंड स्विच। हब क्या था, जिसमें हम अगर एक आपका हब है और उसमें आप सिस्टम में कोई मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो तो वो सारे सिस्टम के पास जाएगा। स्विच में क्या था, एक सिर्फ पर्टिकुलर सिस्टम के पास जाएगा, लाइक दिस सिस्टम वॉन्ट्स टू सेंड डेटा टू दिस सिस्टम, देन इट विल सेंड इट टू दिस ओनली नॉट दिस, बट इस केस में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये सारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड में ज़रूर आएगा ये, और इसमें कभी भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, हमेशा ही आपको ट्रिकी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो इसको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।